ने अपने हलके के लोगों के नाल गलबात की थी ते उन्होंने आने वाली मुश्किलों का जायजा भी लिया। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल से हमला करदिया यह कहा कि वह रेत ट्रांसपोर्ट माफिया के आमणो सामने होकर चर्चा कर एवें घर बैठे बदनाम करने नाल कुछ भी नहीं होना। मैंने जो कहना था दोस्त वो कह दिया, इस पे मैं ट्वीट भी करूंगा और इसको चैलेंज करता हूं। वो कहते कानून दे दायरे च रह के मेरे ते जो भी कार्रवाई करनी है मैं कह रहा हूं, कानून मेरे हाथ से थोड़ा ना है, जिन्होंने कोल कानून है वो करनगे, कर रहे ने। मैं मंग करदा, पार्टी हमेशा मंग करती हुंदी है और मंग बड़ी जायज है। तुसीं ब्लैंकेट बेल तोड़न नूं हल तक क्यों नहीं एस एल पी पाई? थोनू तोड़ानी चाहिए सी, जे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जे कोर्ट ने हदायत दी है भी 6 महीनों के प्रेफरेबली इनू खत्म करो तो तुम पहला कवाश कराती होर केस चली जाता दूई फिर क्या कवाश करा दोगे फिर? तो जे कोर्ट ने थोनू पूछा भी हुण दसो भी क्यों नहीं की तो तुम कहोगे जी भी असीं सुमेध सैनी की ब्लैंकेट बेल नहीं तड़ाई, थोड़े एडवोकेट जनरल ने लवा के दी सी ईडी ने जो आके जो सर्दी छे पानी दी बोतलां पी गया सीगा सिद्धू दी साजिश सी ते अज ईडी ठोकदी है थोनू जुझार लोट लिया थ्रू असी पैसे कमाते थ्रू असी केबल चलाते कोई टैक्स नहीं लाया असी स्टेट नूं पंजी नहीं आई ते खरबां रुपये खा गए सर्विस टैक्स करोड़ां दे खा गया इन्हें की कार्रवाई की ये तो वह लाडला पुत्र है जुझार तो मैं जो माल तोड़न आया सी कौन अकाली खड़े सी कि नहीं उथे मैं थोनू कह रहा कि पहला 75-25 चलती रही है हुण तेरी 60-40 भी चलन।